बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ में बहुत ही मज़ेदार सी अम्मी की बताई हुई फ़िश करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। दो तर मछली मैंने ले ली है आधा किलो, हरा धनिया एक कप। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकती हैं। अदरक 2 इंच का टुकड़ा रफली चॉप कर लें। हरी मिर्च छोटी 8 से 10 अदद, लहसुन की कलियां 6 से 7 अदद, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, कड़ी पत्ते 15 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद। अब तमाम मसाले की चटनी बना लेंगे हम। जग में मैंने टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए, हरा धनिया, कड़ी पत्ते कुछ अभी डालेंगे, कुछ हम बाद में डालेंगे, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें और साबुत जीरा और 1/2 कप पानी हम डालकर पीस लेंगे। ये देखें चटनी को बारीक मैंने पीस लिए। अब इसमें हम तमाम ड्राई मसाले भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये मसाले डालकर भी हम मिक्स कर लेंगे। पतीली में 1.5 कप ऑयल डाल दिया मैंने और ऑयल जब हल्का गर्म हो गया तो कड़ी पत्ते डाल दिए। कड़ी पत्तों को भी हम हल्का फ्राई करेंगे। हल्के फ्राई हो जाएंगे तो जो मसाले की चटनी हमने बना के रखी थी वो डाल देंगे। और मसाला हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। जिस जग में मैंने मसाला पीसा था उसी में 1/2 कप पानी डाल दिया, वही पानी मैंने मसाला भूनने के लिए डाला है। अब तकरीबन 10 मिनट तक हम मसाला भूनने तक पकाएंगे ढककर। 10 मिनट हो चुके हैं। और मसाला हमारा भुनने वाला है। चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम कुछ देर ऐसे ही भुनेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम 1 गिलास पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी में जब उबाल आ जाएगा तो हम फिश डालते जाएंगे। ग्रेवी में हमारे उबाल आ गए तो हम फिश डालते जाएंगे। तमाम मछली डालने के बाद हम हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे
और चूल्हे की फ्लेम हम खुली रखेंगे और 2 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे फुल फ्लेम पर। और फिर दूसरी मरतबा हम चम्मच नहीं चलाएंगे, पतीले से ही हिलाएंगे। दो से 3 मिनट के बाद चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढककर 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारी मज़ेदार सी फिश करी तैयार है। अब डिश आउट करते हैं। मेरी अम्मी के स्टाइल की मज़ेदार सी फिश करी रेडी है। ये इतनी मज़े की बनती है, आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।